गुरुग्राम सेक्टर 109 स्थित चिंटेल्स पैराडाइज सोसाइटी में रहने के लिए असुरक्षित घोषित किए गए हैं। ई और एफ टावर के फ्लैट मालिकों ने ऐलान किया है कि वो अपने फ्लैट खाली नहीं करेंगे। डी टावर को भी इसी तरह खाली करवाया गया था और एक साल बाद भी समाधान नहीं हुआ है। आशंका है कि वही स्थिति उनके साथ भी होगी। इसके अलावा जो फ्लैट मालिक वहां रह रहे थे उनको 15 रुपए प्रति स्क्वायर फीट किराया देना तय किया है। हालांकि ऐसा करीब 70 फ्लैट मालिक जो वहां नहीं रह रहे उनके किराएदार भी चले गए हैं। उनको किसी तरह के किराए का प्रावधान नहीं दिया गया है। इसको लेकर सोसाइटी से बाहर रह रहे फ्लैट मालिकों में रोष है। जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन की ओर से 15 मार्च 2023 को चिंटेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पत्र जारी किया गया था। इसमें 15 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की दर से बिल्डर को किराया देने और 40,000 एक मुश्त शिफ्टिंग के लिए देने को कहा था। बिल्डर को 10 दिन के अंदर फ्लैट मालिकों से 11 महीने का किराया समझौता करने के लिए भी कहा गया था। इसमें देखिए डीटीपी की तरफ से एक इनको लेटर इशू हुआ है जो मैंने भी मेरे संज्ञान में आया है, जिसमें डीटीपी ने स्पेसिफिकली कहा है कि जब भी इन लोगों को रिलोकेट किया जाएगा तो इनके जो एक तो रिलोकेशन के जो चार्जेस लगेंगे वो, और आगे से रेगुलर बेसिस पे जो इनकी आपका मंथली रेंट है वो बिल्डर की जिम्मेदारी होगी, और वो बिल्डर जो है वो रेजिडेंट्स को प्लॉट फ्लैट ओनर्स को प्रोवाइड करके देगा। तो ये स्पेसिफिकली इसमें जो बिल्डर है उसकी जिम्मेदारी है, और हम इंश्योर कराएंगे कि बिल्डर की तरफ से ये सुविधा फ्लैट ओनर्स को आगे एक्सटेंड की जाए। सर, हर बार यही जो यूजर्स वहाँ बैठे हुए हैं, फ्लैट्स के लोग अपने छोड़ करके बैठे हुए हैं, उनका हर बार का यही कहना है कि डीसी प्रशासन जो है वो काम तो कर रहा है पर डीटीपी विभाग कहीं ना कहीं कोताही बरत रहा है। तो ऐसे में वो कह रहा है कि बात तो रखी गई है पर वो कब अमल में आएगी उस पर विचारधारा अभी बन रही है। बता दें कि ई और एफ टावरों में कुल 130 फ्लैट हैं और वर्तमान में यहाँ 40 परिवार रहते हैं, जबकि 70 फ्लैट मालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने फ्लैट किराए पर दे रखे थे। अन्य फ्लैट खाली पड़े हैं, वो फ्लैट मालिक किराए के दायरे में नहीं हैं, जिनके फ्लैट में किराएदार रह रहे थे उन्हें अपने निवेश पर किराए के रूप में मिलने वाला रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। सत्य खबर हरियाणा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।